स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप लोग बीए बीएससी बीकॉम करते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी होम साइंस है आपका, और आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, थर्ड में हैं या फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, तो आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि को करिकुलर कोर्स की तैयारी किस तरीके से आपको करनी है। देखो, जो बीएससी बीए बीकॉम बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी होम साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स होंगे, उन्हें अभी यही समझ नहीं आ रहा होगा कि ये को करिकुलर कोर्स क्या है, को करिकुलर पेपर क्यों होता है, कि क्या इसको देना ज़रूरी है, इसके पेपर का पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, कौन सा पेपर हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है, पेपर का नाम क्या होगा हमारे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी होम साइंस फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सभी को बताऊंगी कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है और आपके एग्ज़ाम में कौन सा पेपर आएगा, आपके पेपर का नाम क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि को करिकुलर कोर्स क्या है। देखो, को करिकुलर कोर्स बीए बीएससी बीकॉम के हर सेमेस्टर में अनिवार्य प्रश्न पत्र कर दिया गया है। तो क्या अब इसको देना ज़रूरी है? तो यस, 100% इसका पेपर देना ज़रूरी है। इसमें फेल हो गया तो बैक लग जाता है, उसके बाद दोबारा से पेपर देना पड़ता है। इसलिए कोशिश करेंगे कि ऐसी तैयारी हो कि फेल ना हो, बैक पेपर ना हो, वरना पास नहीं माने जाएंगे अपने ग्रेजुएशन में। दूसरी बात आपके जो मन में आती है कि पेपर का हमारे पैटर्न क्या होगा, तो ओएमआर पेपर होगा इसका, रिटन नहीं होगा। ओएमआर पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा हर यूनिवर्सिटी में, फिर आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। हमारा सिलेबस क्या होगा मैम? तो सिलेबस हर यूनिवर्सिटी के लिए सेम होगा, चाहे फिर आप किसी यूनिवर्सिटी से हो, आप किसी भी कॉलेज से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज जुड़ा हो और चल रहा हो, हर यूनिवर्सिटी में एनपी 2020 के अकॉर्डिंग सेम सिलेबस कर दिया गया है। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैम, क्या इसमें माइनस मार्किंग होती है जब ये ऑब्जेक्टिव्स टाइप पर होता है? तो नो, इसमें कोई माइनस की मार्किंग नहीं है। तो मैम, क्या इसको देना ज़रूरी है? तो जी, देना ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो मार्क्स होता है वो आपके एग्ज़ाम में ऐड होता है। इसमें फेल होंगे तो नंबर कम होगा और आपका मार्क्स कम होगा और आप फेल माने जाएंगे। तो ये आपके पेपर में यानी रिजल्ट में जुड़ेगा इसका नंबर, ये 100% याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर को कौन सा पेपर देना है, थर्ड सेमेस्टर के लिए कौन सा पेपर होगा और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए कौन सा होगा। अगर आप लोग बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आप तीनों का मेजर माइनर अलग हो सकता है। माइनर तो बच्चे लगभग सेम भी हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग है माइनर चूज़ करना। तो मेजर आपका फिक्स होता है बीए बीएससी बीकॉम में, आपको क्या लेके पढ़ना है, सबका अलग अलग सब्जेक्ट होता है। लेकिन जो को करिकुलर पेपर आपका होगा एग्ज़ाम में, वो बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए भी सेम होगा, थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए भी सेम होगा, फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए भी सेम होगा। अब बात आएगी कि क्या मैम, हम फर्स्ट में हैं, थर्ड में हैं, फिफ्थ में हैं, सबका एक ही पेपर? नो, बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए एक पेपर होगा। पेपर का नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ये पेपर यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो होते हैं एक ही दिन पर कराते हैं तीनों बच्चों का, बीए बीएससी बीकॉम सभी का। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो आपको देना होगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का को करिकुलर पेपर, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे, 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा और सभी को करना होगा, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं होगा। अगर आप लोग महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय से हैं, तो आपके लिए एक नया संशोधन किया है यूनिवर्सिटी ने। अभी तक तो वो यूनिवर्सिटी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का ही पेपर ले रही थी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, बीए बीएससी बीकॉम के लिए। लेकिन जो 2024 में संशोधन हुआ है, उसमें ये हुआ है कि महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे हैं और जितने भी कॉलेज महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से जुड़कर चल रहे हैं, उनके लिए बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ का को करिकुलर पेपर देना होगा। ये बात एकदम याद रखिएगा, हर यूनिवर्सिटी जो यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन होगा, बस महाराजा सुहेलदेव वाले बच्चों के लिए फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ होगा, जो सेकेंड सेमेस्टर में देना रहता है। लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी आपकी जो है महाराजा सुहेलदेव, ये फर्स्ट सेमेस्टर में करा रही है, तो याद रखिएगा। तो इसका भी हम तैयारी करा रहे हैं, इसकी भी करा रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। अब बात करते हैं, अगर आप लोग बीए थर्ड सेमेस्टर में है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में है, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में है, तो आपको कौन सा को करिकुलर पेपर देना है? आपको देना है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, आपको इसका पेपर देना होगा। सभी के लिए यही पेपर होगा।
और इसका जो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर है मैं अपलोड कर चुकी हूँ, देख लीजिएगा। इसका भी कर दिया है, इसका भी कर दिया है, सब आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग बीएससी बीए या बीकॉम के फिफ्थ सेमेस्टर में हैं तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर में देना होगा को करिकुलर एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ये आपका फिफ्थ सेमेस्टर के लिए को करिकुलर है, चाहे आप बीए बीएससी बीकॉम जो भी करते हो। तो आई होप कि आपका ये तो क्लियर हो गया होगा कि हमें कौन सा पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में देना है, थर्ड में देना है, फिफ्थ में देना है। इसके बाद जब आप लोग ये सब एग्ज़ाम दे लोगे तो आप लोग फर्स्ट वाले सेकेंड में जाओगे, थर्ड वाले फोर्थ में जाओगे, फिफ्थ वाले सिक्स सेमेस्टर में जाओगे। तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी कि आपको कौन सा पेपर देना है। यहाँ पर अभी आपका ये सेमेस्टर चल रहा है तो हम इससे रिलेटेड आज की वीडियो में बातें कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है। देखो, इसकी तैयारी करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, जो एग्ज़ाम का होता है, जो यूनिवर्सिटी का होता है। और मैं सबके लिए मॉडल पेपर अपलोड कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट मैंने फूड न्यूट्रिशन की भी बना दी है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ की भी बना दी है, ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए भी बना दी है। अच्छा देखो, फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ वालों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात कहूँगी कि जो ये प्लेलिस्ट मैंने बनाई है वो बीए बीएससी बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर के लिए बनाई है, लेकिन आपको वही तैयार करना होगा। आप ये मत देखिएगा कि मैम सेकंड सेमेस्टर लिखा हुआ है प्लेलिस्ट में। देखो, सेकंड सेमेस्टर में ही होता था, लेकिन आपकी जो यूनिवर्सिटी है महाराजा सुहेलदेव वो इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में करा रही है, तो आपको वही प्लेलिस्ट चेक करके तैयारी करनी होगी। और ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए भी बना दी है, लेकिन इसके लिए मैं बनाने वाली हूँ प्लेलिस्ट। अभी मैंने इसकी कोई प्लेलिस्ट बनाई नहीं है, बट मैं जल्द ही एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड करा दूँगी वीडियो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर आपकी तैयारी का सबसे बेस्ट तरीका है। और दूसरा बेस्ट तरीका है जो वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिलती हैं। वैसे तो मैं भी जो पूरी वीडियोस होती हैं ऑब्जेक्टिव्स ओएमआर आपके लिए वो अपलोड करती रहती हूँ, तैयारी कराती रहती हूँ, तो आपको इसके लिए अलग से कोई पढ़ाई नहीं करनी, बस आपको वो सारी वीडियोस देखना है। क्योंकि उन सभी वीडियोस में जो क्वेश्चन होते हैं वही हर साल एग्ज़ाम में दिए जाते हैं, बस दो चार पाँच क्वेश्चन चेंज रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, थोड़ा अलग तरीके से वही क्वेश्चन पूछ सकता है। बस चीज़ें क्या हैं आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा है आपको तैयारी करना, बहुत ही सिंपल है, प्लेलिस्ट चेक करके अच्छे से पढ़ाई करना है, आने वाले वीडियोस को देखते रहना है। इसके लिए आपकी क्लासेस नहीं चल रही हैं, ठीक है, कोई भी इसकी क्लासेस नहीं कराता है, मॉडल पेपर के थ्रू ही बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, तो आपको भी वैसे ही तैयारी करनी है। तो आई होप कि को करिकुलर कोर्स क्या है, तैयारी कैसे करनी है एग्ज़ाम 2025 में, वो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।